subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों 9 साल से रिश्तों की बागडोर को संभाल रही कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात कर रहे हैं, जहां हम आपको बता दें कि कहानी में आपको बहुत ही टर्न और ट्विस्ट नजर आ रहे होंगे। दादी की नाजुक हालत को देखकर दोनों ने शादी के लिए हाँ तो भर दी है, पर अब देखना होगा कि क्या शादी से पहले नायरा आ जाएगी सामने या फिर नहीं। वैसे दोस्तों सीरियल की दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता, जो किसी फैंस ने नहीं सोचा था वो ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज रात की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अखिलेश रेजा से फ़ोन पर बात करता हुआ पाया जाएगा, जब सभी फैंस के सामने सच्चाई आ जाएगी कि अखिलेश और लीजा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों ये सब कुछ अखिलेश और लीजा की एक साजिश है, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे को मिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश जो है वो चाहता है कि नायरा कार्तिक से खुद आकर मिले और उसे खुद आकर सच बताए कि वो जिंदा है। अब आगे आने वाली कहानी की बात करें तो कहानी अपना रूप बदलती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि नायरा उदयपुर लौट आई है और वो किसी काम के चलते बाहर जाती है, जहाँ उसे नक्स देख लेता है और फिर कहानी में होता है धमाका, क्योंकि एक बार तो नक्स भी चौंक जाता है नायरा को देखकर, और फिर जैसे ही नायरा की नज़र नक्स पर पड़ती है तो तुरंत नायरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर नक्स भी नायरा से पूछता है कि तुम नायरा जिंदा है। तो दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट नज़र आने वाले हैं। इस सीरियल या फिर बाकी की सीरियल के अपडेट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.